ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, मई और जून आने वाले हैं। इन दिनों तत्काल टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो कई लोग यहाँ पे तत्काल टिकट बुक करा लेंगे तो यहाँ पे उनके साथ गलत भी हो सकता है, लेकिन कैसे वो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि आप लोग मई जून में अगर ट्रेन से सफ़र करने चाहते हैं या फिर आने वाला टाइम में कभी भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, नहीं तो आप लोग ट्रेन में सफ़र करते समय अगर पकड़ा जाते हैं तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इन दिनों तत्काल टिकट मिलना मुश्किल है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तत्काल टिकट बुक करना कन्फर्म। और यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करा लेते हैं अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या फिर थर्ड पार्टी एजेंट से, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे करते क्या हैं, जैसे कि आप लोग मान लो कि तत्काल टिकट आपको चाहिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो आप लोगों को गारंटी लेता है तत्काल टिकट बुक करने का और आपको वो बुक करके दे भी देता है। लेकिन यदि आपको लेकिन वो टिकट आप लोगों को कन्फर्म टिकट बुक कर देता है तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको PNR नंबर गूगल पे डालना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सबसे पहले PNR स्टेटस। इसके बाद आप लोगों को PNR नंबर डालना है, इसके बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये चेक कर लेना है जो टिकट बुक हुआ है, क्या हमने जो तत्काल टिकट के लिए बात की है तो क्या वो टिकट तत्काल कोटा में टिकट बुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग आप करेंगे क्या, तत्काल टिकट तो मिल नहीं रहा है तो सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करके आप लोगों को तत्काल कोटा कन्वर्ट करके यानी कि एडिट करके आप लोगों को दे देंगे। आप लोग ट्रेन में चले भी जाएंगे और सीट पे बैठ भी जाएंगे, लेकिन जब आपके साथ TT आएंगे टिकट चेक करने के लिए, अगर उस समय आपको पकड़ा जाते हैं तो आप लोगों के साथ कई बार आप लोगों को फाइन भी देना पड़ेगा और इसके अलावा जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को समझ सकते हैं एक गलत तरीका है जिससे आपको एडिट करके ट्रेन में सफ़र करने के तरीका बताया गया है और आप लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी पकड़ा जाएंगे और आप भी, तो आप लोगों दोनों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और नंबर टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि तत्काल टिकट इन दिनों मिल नहीं रहा है तो कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे, आई टिकट को ई टिकट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लो कि किसी भी हमें स्टेशन से तत्काल टिकट बुक कराते हैं और अब किसी व्यक्ति को हमें भेजना है, लेकिन वहाँ भेजने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वहाँ पर कुछ लोग यहाँ करते क्या है, काउंटर टिकट को ई टिकट में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट्सअप या फिर मेल कर देता है और प्रिंट आउट निकाल कर ट्रेन में सफ़र कर लेता है। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे क्योंकि उसको TT को पता होता है ये टिकट जो जनरेट हुआ है ई टिकट के द्वारा जनरेट हुआ है या फिर आई टिकट के द्वारा है, यानी मान लो टिकट काउंटर से बुक हुआ है लेकिन आप लोग ई टिकट बनाकर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात को पता नहीं होगा लेकिन ये TT को पता रहता है क्योंकि ये टिकट आई टिकट है या फिर ई टिकट है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस बार को इसके बारे में तो आपको पता नहीं होगा लेकिन आप लोगों को जहाँ पर ट्रस्ट है यानी कि जहाँ से आप काफ़ी टाइम से टिकट बुक करवा रहे होंगे तो उन्हीं व्यक्ति के पास जाइए और उन्हीं व्यक्ति से टिकट बुक करवाइए, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मई और जून जुलाई में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा और इस तरह के छेड़खानी टिकट के द्वारा किया जाएगा जिसमें आप लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी आप तत्काल टिकट बुक कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।